हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए चैप्टर 7.1 पे, एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th है। और ये 7.1 के मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा बारी बारी करके। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। एक्स अक्ष से समदूरस्थ है, क्वेश्चन में एक बार दोबारा पढ़ के बता देता हूँ आपको कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2.-5 और -2.9 से समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। मतलब कि देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ है मेरा, इस ग्राफ पे कह रहा है कि कोई दो बिंदु है, मान लो एक बिंदु यहाँ है या एक बिंदु यहाँ है, कोई भी दो बिंदु है, लेकिन जो बीच वाला बिंदु है जो समदूरस्थ है वो एक्स अक्ष पर है। साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष मतलब ये रहा अक्ष, इस एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि एक बिंदु है 2.-5 और एक बिंदु -2.9 से समदूरस्थ। मतलब मान लो एक बिंदु ये है भाई, जो भी दे रखा है इसने 2.-2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.-5, और दूसरा बिंदु मैंने मान लिया ये -2.9। ये तो बिंदु है, इस एक्स अक्ष पे वो बिंदु कहीं भी हो सकते हो, हमें वो बिंदु बताना है। और ये समदूरस्थ का मतलब समान है। मैं अगर इस एक्स अक्ष पे देखो, यहाँ पे इस एक्स पे कहीं पे भी बिंदु हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, हम सॉल्व करेंगे जब हमें पता चले। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस एक्स अक्ष पे कहीं पे भी कोई सी बिंदु लगा हो, कहीं भी जो बिंदु है उसमें इस वाई का मान कितना रहेगा। वाई का मान कमेंट में बताओ फटाफट कि इस एक्स अक्ष वाली लाइन पे वाई का मान कितना आएगा। यस टेल मी भाई, जैसी बात है एक्स अक्ष पे वाई का मान भाई यहीं टच हो रहा है, मतलब वाई का मान जीरो। तो एक मान तो मेरे पास फिक्स हो गया कि वाई का मान कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास x, 0 निर्देशांक हम ये मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स पे तो एक्स का मान कुछ भी आ सकता है भाई, इधर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन मुझे ये कन्फर्म है कि वाई का मान कितना आएगा, जीरो। अंडरस्टैंड अच्छी तरह से, तो वाई का मान कितना आ गया, जीरो। तो हम लिखेंगे कि माना वह निर्देशांक x, 0। तो आप लिख लेना कि निर्देशांक माना वह निर्देशांक x, 0 है। ठीक है, जो कि बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। मैं मान लो यहां पे एग्जांपल के लिए यही बिंदु ले लेता हूं। ठीक है, ये इससे जितनी दूरी इसकी होगी उतनी ही दूरी इसकी होगी। अब इस बिंदु का नाम मैं मान लो ओ ले लेता हूं, इसका हमने नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। मतलब कि ओ ए की दूरी और ओ बी की दूरी दोनों समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। मतलब कि जितनी दूरी इसकी आएगी उतनी ही दूरी इसकी आएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, आप दोनों को बराबर रख देंगे जिससे कि मेरे पास इस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और हमें यही बताना है, आ रही बात समझ में अच्छी तरह से, कमेंट में बताओ क्लियर, फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर है कि बिंदु O है कोई ऐसी बिंदु है जिसके समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर स्थित है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालता हूँ तो उसका मान जितना भी आता है, मान लो 1, 2, 3 भी आता है, और फिर मैं O और B के बीच की दूरी निकालता हूँ, इसका मान जो भी आता है दोनों बराबर होंगे। तो भाई OA की दूरी निकालो, तो सबसे पहले आप लिखोगे OA की बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है ही, किस किस के बीच की दूरी, O और A। O का मान है मेरे पास x, 0 और A का मान है 2.-5। अब मैं क्या करता हूँ, इसको x1, y1 और इसको x2, y2, जो आपकी इच्छा वो मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लिया मैंने भाई x1, y1 और इसको मान लिया x2 और ये आ गया y2। तो हम OA की बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मूले में मान डाल दो, पहले क्या है हमारा x2, यहाँ पे x1 है, y1 है, ये x2 है, y2। तो x2 का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। माइनस है माइनस, x1 है, x1 का मान x, तो x1 का मान आ गया मेरे पास x। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्क्वायर है स्क्वायर, तो प्लस है प्लस। फिर उसके बाद y2 है, y2 का मान y2, ये रहा, माइनस का 5 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5। फिर उसके बाद माइनस है माइनस, y1 का मान 0 है, 0, तो स्क्वायर स्क्वायर और फिर अंडर रूट। अंडरस्टैंड क्लियर, कमेंट में बोलो क्लियर। ठीक है भाई, फिर हम चलते हैं आगे। अब देखो मेरे पास ये आ गया 2 और ये आ गया x, तो दोनों अलग रहते, तो जिस तरह से हम बीजगणित सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम a मान लेंगे, इसको क्या करेंगे a मानेंगे, और इसको क्या करेंगे b मानेंगे। तो हमारे पास a माइनस b का फॉर्मूला फिट हो गया यहाँ पे, किसका फॉर्मूला फिट हो गया, a माइनस b का
फॉर्मूले में फिट हो गया, जैसे हम चैप्टर में पढ़े थे दूसरे या तीसरे में एज इट इज ऐसी किस चैप्टर था जिसके हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसमें फॉर्मूला क्या है भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को कितना आएगा, फिर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लिखूंगा जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोगों को फॉर्मूले याद भी है या नहीं है। इतने में इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है भाई। प्लस है प्लस, ये माइनस का पाँच और ये जीरो, तो पाँच में से जीरो जाए तो कितना जाएगा, माइनस का पाँच, क्या जाएगा मेरे पास, माइनस का पाँच और फिर इसका होल स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला फटाफट, तो क्या था भाई फॉर्मूला हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जितने भी बच्चों ने कमेंट किया है वेरी गुड, शाबाश, ठीक है भाई। तो अभी मेरे पास फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इस फॉर्मूले का मान हम सीधे सीधे उठा के यहाँ डाल देंगे। तो पहले मेरे पास ए स्क्वायर है, ए का मान कितना माना मैंने, दो, दो का स्क्वायर किया तो मतलब चार, ठीक है भाई। फिर प्लस है प्लस, बी स्क्वायर है, बी का मान कितना मेरे पास एक्स, तो आ जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस है माइनस, ठीक है भाई, दो गुना ए गुना बी, इनके तीनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब कि तीनों आपस में गुना हो रहे हैं, तो दो गुना ए गुना बी, तो दो का दो की जगह दो आ जाएगा। ए का मान कितना है मेरे पास दो, और बी का मान कितना है एक्स, मतलब कि यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ आगे, प्लस पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, दो गुना में ए का मान दो गुना में बी, बी का मान है एक्स, फिर प्लस है प्लस, और इसकी जगह पे मेरे पास आया था माइनस फाइव का होल स्क्वायर, और फिर सबका स्क्वायर रूट। अंडरस्टैंड, क्लियर भाई। यहाँ पे ए था ये बी था, हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर में खोला, तो ए का मान था कितना दो, पहला हमारा ए स्क्वायर है तो मैंने ए का स्क्वायर किया, तो ए का मान कितना है दो, दो का स्क्वायर कर दिया चार, फिर प्लस है फॉर्मूले में, फिर प्लस है प्लस, फिर बी स्क्वायर है, बी का मान कितना है मेरे पास एक्स, तो मैंने क्या कर दिया एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, तो माइनस टू का टू ए है, ए का मान कितना है दो, फिर गुना बी है, बी का मान कितना है एक्स एक्स, ठीक है भाई। बाकी ये संख्या मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चार का मेरे पास आ गया चार, प्लस है प्लस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो दो दुनी चार, अरे एक्स का एक्स आ गया, माइनस का चार एक्स, ठीक है भाई। प्लस है यहाँ पे देखो पाँच का स्क्वायर कर दे कितना आएगा पच्चीस, पच्चीस वो भी किसका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस पाँच को माइनस पाँच से गुना कर दे कितना आएगा पच्चीस, तो आ जाएगा मेरे पास पच्चीस। अंडरस्टैंड, और फिर आ जाएगा मेरे पास वर्ग मूल, ठीक है भाई। अब देखो ये 25 प्लस का और 4 किसका है प्लस का, भाई ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों तो सेम है, ये भी अंगणित है और ये भी अंगणित है, तो ये दोनों सेम है, तो इनको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 25 और 4 कितना हो गया 29, तो ये आ गया मेरे पास फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का 29, ये किसका मान आ गया मेरे पास ओ ए का, किसका मान आ गया ओ ए ए, ओ ए। अब हम किसका मान निकालते हैं ओ बी का निकालते हैं, ओ बी का है माइनस दो कॉमा नौ, ये आ गया दो कॉमा नौ, ये एक्स वन वाई वन है कोई बात नहीं, इसको एज इट इज है, तो अब के हम इसको एक्स टू और वाई टू मान लेते हैं, जिससे कि हमारा मान एज इट इज सॉल्व हो जाएगा, हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं किसकी दूरी, ओ बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है भाई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा उतारोगे फिर सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसके उतार रखा, हम इसी हिसाब से करते हैं। x2 है, x2 का मान, x2 का मान माइनस का दो है, ठीक है भाई, तो x2 का मान माइनस का दो, फिर माइनस है माइनस, x1 है, x1 का मान x है x, फिर इसका होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, वाई2 है, वाई2 का मान नौ है नौ, फिर माइनस है माइनस, वाई वन, वाई वन का मान जीरो है जीरो, और फिर इसका होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड, क्लियर। अब देखो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पे किया था, इसको मैंने क्या कर लिया ए मान लिया, इसको क्या कर लिया बी मान लिया, तो इसको हम इसी में खोल देंगे, किसमें ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, पहले क्या हमारे पास ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है माइनस दो, माइनस का दो, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा चार, माइनस दो का स्क्वायर कर दे तो क्या जाएगा चार, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है, बी का मान कितना है एक्स, तो आ जाएगा मेरे पास प्लस का एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर उसके बाद है माइनस टू ए बी, तो माइनस की जगह माइनस टू की जगह टू गुना में ए का मान कितना है माइनस का दो, बी का मान कितना है एक्स, तो एक्स का एक्स, आ रही बस समझ में, और 9 में से 0 घटाएं तो कितना जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कर दिया तो कितना जाएगा 81, ये आ जाएगा मेरे पास 81।
आगे बस समझ में भाई। तो ये अगर चार प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, दो दूनी चार, चार को एक्स से कर दिया तो चार एक्स, माइनस को माइनस कर दिया तो प्लस आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनली यहाँ पे आ गया चार प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में चार एक्स प्लस में 81। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे ये भी प्लस का, ये भी प्लस के, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 81 और 4 कितना हो जाएगा 85, और ये मेरे एजिटीज रह जाएंगे। तो ये मेरे पास फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है भाई, ये मेरे पास मान आ गया किसका, OB का। किसका मान आ गया, OB का। अब मैंने क्या कहा था कि ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, मतलब इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर आएगा, आपको पहले ही बता चुका हूं। तो OA का मान हमारा जो भी आया है, OA का मान मेरे पास आया फाइनली ये रहा, ठीक है भाई, और OB का मान मेरे पास आया ये 85। ठीक है भाई, अब हम क्या करें, इन दोनों को बराबर रख देंगे जिससे कि हम x का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, x का। आ रही बात समझ में, तो मैं इसको फटाक से मिटा देता हूं जिससे कि अब हम सीधा OA, जिसको उतारना है वीडियो पॉज करके उतार लो क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहां पे बस खाली अपने को OA का मान जरूरत है और इसकी जरूरत है जिससे कि एक बार मैं क्वेश्चन उतार लूं। ठीक है भाई, तो यहां पे एक लाइन लिखोगे OA बराबर OB। OA का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस में 29 और फिर इसका स्क्वायर रूट बराबर है बराबर। OB का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस 85 और फिर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, बाकी हमने सबको बराबर किया, अब मेरे को इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, उतारने के बाद अब फाइनली मुझे करना क्या है, x का मान निकालना है, तो इस वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। फिर ये मत कहना कि सर ये एक्स, ये चार एक्स है, ये चार एक्स। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी प्लस का है, दोनों के निशान सेम है। अगर मैं किसी को एक दूसरे की तरफ भेजता हूँ तो ये प्लस करेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस तो ऑलरेडी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो निशान अलग अलग है, और बराबर में निशान अलग अलग हो तो हम उसको आपस में नहीं काट सकते, क्योंकि अगर मैं इसको इधर लाऊं तो दोनों प्लस का हो जाएगा, जुड़ेगा भाई, तो ऐसे कैसे काट दोगे। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं काटना हमने को ना। तो यहाँ पे देखो चार एक्स है माइनस का, अरे 29 है प्लस का, और यहाँ पे 4x प्लस का, 85 प्लस का है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं या फिर इसको उधर ले जाते हैं। तो सिंपल सी भाषा में यहाँ पे तो मेरे पास बच गया माइनस का 4x प्लस में 29, एक लाइन और लिख लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना आए। ये आ जाएगा प्लस का 85। बीज गणित एक तरफ कर दो और अंगणित को एक तरफ ले आओ, तो मैं 85 को उधर ले जाता हूँ, 4x को इधर ले आते हैं जिससे कि थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो 85 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे ऑलरेडी 29 है तो आ जाएगा 29 माइनस का 85 बराबर 4x प्लस का है, ये माइनस का, ये भी इधर आ गया तो किसका आ जाएगा, प्लस का। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो निशान अलग अलग है, निशान अलग अलग तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 85 में से 29 कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताओ, इतने इसको जोड़ते हैं, चार चार कितना हो जाएगा भाई, आठ है और ये एक्स है। 85 में से 29 कितना है कमेंट में फटाफट, तो अब क्या करेंगे, 85 में से 29 घटाएंगे, क्योंकि प्लस का या माइनस का निशान अलग अलग है, अलग अलग मतलब घटा देंगे। तो 85 में से 29 घटा दिया मैंने, तो 15 में से 9 गया 6, ये बचा 7, 7 में से 2 गया 5, वो भी किसका, माइनस का है तो माइनस का। ठीक है भाई, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का है ऑब्वियसली, तो 56 आ गया। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की, 8 इसके साथ क्या हो रहा है गुणा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये फाइनल हो गया मेरे पास एक्स बराबर माइनस का 56 बटे में 8, 8 है कम 8, 8 से तो 56, मतलब एक्स का मान आ गया मेरे पास माइनस का 7, दैट इज द आंसर। एक्स का मान माइनस 7 आ गया। अब इस हमने जो माना क्या था भाई, माना हुआ निर्देशांक एक्स कॉमा 0, मतलब कि हमारे पास वो निर्देशांक आ गया माइनस का 7, 0, मतलब कि वो बिंदु माइनस की तरफ यहां कहीं आएगा। आगे बस समझ, तो इस तरह हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड, जिन बच्चों को समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर हम इसको दोबारा रिविजन के टाइम में दोबारा कर लेंगे इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज इट इज ही है, बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रखी। इसमें तो हमने दो दो तीन तीन मान निकाल भी रखे हैं, यहाँ पे मान भी नहीं निकालना, उसने मान दे रखा है। ये क्या कह रहा है कि P है और एक Q है, एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ देखो, एक बार कह रहा है कि Y का वह मान ज्ञात करना, जैसे कि सातवें क्वेश्चन में मैंने X का मान निकाला है, अब कह रहा है कि Y का मान निकालना, मतलब Y वाली बिंदु पे, किस पे, Y वाली बिंदु पे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है Y का मान ज्ञात कीजिए जिसके P Q की बीच की दूरी 10 मात्रक, और 13 बल तो कुछ है ही नहीं। Y का मान निकालना, ये P दे दिया, Q दे दिया, और इनके बीच की दूरी कितनी है 10,
इनके बीच की दूरी कितनी है 10, मतलब P और Q के बीच की दूरी निकालो, फॉर्मूले में मान डालो, O बराबर हमारा जो भी आएगा हम उसको बराबर कितना रख देंगे 10। तो मैं लिखता हूँ P और Q है तो P Q के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है भाई। तो ये मैंने क्या कर लिया X1 Y1 और ये आ जाएगा हमारे पास X2 Y2, ठीक है भाई। यहाँ पर लिख ही देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, 2, -3 और ये हमारे पास 10, y, ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2, ये आ जाएगा y2, ठीक है भाई। दूरी निकालो और दूरी उसने ऑलरेडी मेरे को दे रखी है 10, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है ना, y का मान नहीं है, तो दूरी एज इट इज दे रखी है, तो हम y की जगह y लिखेंगे और उसको बराबर रख देंगे 10 के। कैसे, देखो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी निकालोगे, दोनों के बीच की दूरी x2 - x1, तो x2 का मान कितना है 10, फिर माइनस है माइनस, एक्स वन है, एक्स वन का मान कितना है 2, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, आ रही बात समझ में। वाई टू है ब्रैकेट है, ब्रैकेट का ब्रैकेट, वाई टू है, वाई टू का मान ये रहा, वाई टू को जगह वाई का वाई है, ठीक है भाई। फिर माइनस है माइनस, वाई वन है, वाई वन का मान माइनस का तीन, अरे ब्रैकेट बंद, फिर इसका स्क्वायर है स्क्वायर और फिर वर्ग मूल, और इसकी दूरी ऑलरेडी उसने दे रखी है 10, यहाँ पर आ जाएगा 10। हम सॉल्व करते हैं, देखो 10 प्लस का 2 माइनस का, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, तो यहाँ जाएगा मेरे पास 8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, वाई ब्रैकेट के बाहर किसका निशान है माइनस के निशान, अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा वाई प्लस में 3 और फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। सिंपल सी, ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई इसको क्या मानेंगे ए और इसको क्या करेंगे बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है भाई। इतने में इसको सोल्व करता हूँ, 10 की जगह 10, 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 64 प्लस है प्लस, ठीक है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों ने लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो हमने ए माइनस बी का लिख ही रखा था भाई, ए प्लस बी का क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह हम यहाँ पे मान डाल देते हैं, पहला मेरे पास ए स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर, तो a का मान कितना है मेरे पास y, तो ये आ जाएगा y का होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, फिर कह रहा है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर प्लस है प्लस, 2 है 2, गुणा में ए है ए का मान y और b का मान 3 और फिर सबका वर्गमूल, अंडरस्टैंड क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, मान डाला 8 का स्क्वायर किया 64 प्लस है प्लस, a प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान कितना आ गया y था तो ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर, b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, फिर प्लस 2ab तो प्लस 2 का 2 इंटू a का मान y और इंटू b का मान 3 है तो 3, अंडरस्टैंड क्लियर। अब देखो आगे इसको सॉल्व कर लो, और इसका मान ऑलरेडी 10 है, 64 का 64 प्लस का प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 को y से कर दिया 2y और फिर 3 से कर दिया 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6y और फिर इसका वर्गमूल, ठीक है भाई। अब वाई स्क्वायर एज इट इज, 6y एज इट इज, 64 और 9 कितने हो गए 64 और 9, ये हो गया मेरे पास 64 और 6 70 और 3 73, ऑब्वियसली इतने होना चाहिए 64 और 6 70 और 3 73, तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 73 और फिर ये वर्गमूल थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, ये वर्गमूल और ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, y का मान निकालना है, तो हम इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं, इस वर्गमूल को पहले हटा लेते हैं, इस वर्गमूल को हटाता हूँ, तो इस वर्गमूल को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर इधर भी कर दूं और इसका स्क्वायर भी इधर कर दूं, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह से समझा रखा है, इसलिए बेसिक्स आप लोगों को पहले करवा दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूं मैं, इसको सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर है, ये सॉरी इस स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 100 और यहाँ पर बच गया मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 73। अब मैं क्या करता हूँ, ये 100 प्लस का इसको भी इधर ले आते हैं,
तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो फाइनली यहाँ पे बच गया मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 73 माइनस का 100। भाई प्लस का 100 उधर गया तो माइनस का, अब ये निशान अलग और ये भी निशान अलग अलग है, तो 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा, 27। कितना बचेगा, 27। तो फाइनली मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27। तो उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, स्पेस बचा नहीं रहा, स्पेस हम ये वाला यूज़ करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास क्या बच गया भाई, वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पे माइनस का 27, स्क्वायर स्क्वायर सब कुछ घट गया, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 और इधर की तरफ है 0। अब हम इसको उसी तरह से सॉल्व करें जिस तरह से हमने द्विघात समीकरण सॉल्व किया था दूसरे चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, कि बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने घटाने पर संख्या आ जाए, ठीक है, और उसको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे लास्ट वाली और पहले वाली संख्या के बराबर आए। तो 6 है, अब मेरे को कमेंट में बताओ कितना आएगा, 9 और 3, 9 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 6, और 9 को 3 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 27। आ रही है बस मुझे, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हम इस तरह से तोड़ते हैं कि बीच वाली संख्या तो मेरी एज इट इज रहती है, सॉरी बीच वाली संख्याओं को जोड़े या घटाए तो मेरे पास वो संख्या आ जाए, और उसी संख्या को मैं आपस में गुणा करूं तो मेरी पहली और आखिरी के गुणा के बराबर, तो इसके आगे कुछ नहीं था, एक मतलब गुणा करने पर मेरे पास 27 आ जाए, और उसको अगर मैं जोड़ूं और घटाऊं, जोड़ लो चाहे घटा लो कोई भी दो संख्या, तो मेरे पास 6 आ जाना चाहिए। अगर आप कहते हो कि सर 5 और 1 ले, तो 5 और 1 को जोड़ूंगा तो 6 तो आ जाएंगे, लेकिन 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा। 3 और 3 लोगे तो 3 को 3 से जोड़ोगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। मैंने तुम्हें आपको अच्छी तरह बता रखा है कि ऐसी संख्या लेनी जिसको हमें गुणा करने पे वो संख्या आ जाए, और जोड़ू या घटा हो तो मेरे पास 6 आ जाए। तो हमने क्या संख्या ले ली, 9, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 9y और माइनस का 3y, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि हमारे पास संख्या बड़ी किसकी है, प्लस की, तो यहाँ पर बड़ी भी संख्या कौन सी लेंगे, प्लस की, जिससे कि अगर इसको घटाता हूँ 9 में से 3 या 6y आएगा, लेकिन संख्या किसकी यहाँ पे, प्लस की चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को संख्या बड़ी रखनी है प्लस की, जिससे कि घटाने पे भी मेरे पास एग्जैक्ट आए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस की बड़ी ले लेते, छोटी प्लस की ले लेते, ठीक है भाई। फिर माइनस का 27 है, माइनस का 27, बाकी चीज़ एज इट इज, कुछ नहीं छेड़ना। अब ये दो संख्या अलग और ये दो संख्या अलग, ठीक है भाई। इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, वाई, वाई इसमें भी और वाई इसमें भी है, तो वाई कॉमन ले लिया, तो वाई इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो वाई इधर बाहर निकल गया, तो भाई एक वाई बच गया, प्लस है, प्लस यहाँ से एक वाई बाहर निकल गया तो क्या बच गया, 9। माइनस इनमें 3 कॉमन है, देखो 3 से ये भी भाग जा रहा है, 3 से ये भी भाग जा रहा है, 3 एक 3 और 3 27, माइनस इसमें भी और माइनस इसमें भी, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं उसको हम बारी बारी करके सब में भाग दे देते हैं, पहले बता रखा आप लोगों, तो माइनस 3 को इससे भाग दे दो, माइनस 3 को इससे भाग दे देते, तो माइनस से माइनस कट गया 3 से, आगे बस वजह में। अब देखो यहाँ पे एक संख्या अलग हो गई और एक संख्या अलग हो गई हमारे पास, तो ये संख्या अलग हो गई, तो इस संख्या का इनमें से देखो y प्लस 9 इसमें भी है, y प्लस 9 इसमें भी है, दोनों में y प्लस 9 है, तो अब हम क्या करेंगे, y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है भाई, y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे। तो अब इसमें से y प्लस 9 बाहर निकल गया तो बचा क्या भाई, y, तो यहाँ पे बच जाएगा y, माइनस है माइनस, यहाँ से y प्लस 9 गया तो क्या बचेगा, 3, तो आ जाएगा 3। आ रही बात समझ में, भाई मैंने क्या किया, पहले तो बीच वाली संख्या को फैक्टर कर दिया, फैक्टर करने के बाद दो संख्या अलग अलग ले ली, ये दो संख्या अलग ले ली, इनमें से ये कॉमन है तो मैंने ये लिख दिया, इनमें से y कॉमन था तो y कॉमन है तो y का y लिख दिया। अब जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसको हम बारी बारी करके भाग देते हैं, तो इसमें से y बाहर निकाला 2 था तो 1 बच गया, फिर प्लस है प्लस, यहाँ से एक y अगर मैं भाग देता हूँ तो y से y कट जाएगा, बचेगा क्या, 9 9, फिर ब्रैकेट बंद बंद। इन दोनों में माइनस से तो है ही, तो माइनस का माइनस कॉमन ले लिया, और 3 से ये भी भाग जा रहा है और 3 से ये भी भाग जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। तो अब जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं सबको भाग देते हैं, उसमें जो भी संख्या से हमने कॉमन लिया, मैंने इसमें से कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, वाई वाई, फिर इसका इसमें भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 3 को 27 से भाग दे दिया तो 3 × 27 9 आ गया, ब्रैकेट बंद, 0 0, ठीक है। अब एक संख्या ये बन गई और एक संख्या ये बन गई, दो अलग अलग संख्याएं बन गई, दो अलग अलग संख्याएं बन गई। अब इन दोनों में देखो y प्लस 9 इसमें भी है
y प्लस नाइन, इसमें भी दोनों में y प्लस नाइन है तो y प्लस नाइन को हम कॉमन लेंगे, तो मैंने y प्लस नाइन को कॉमन ले लिया। अब जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं उसको सभी में भाग देते हैं बारी बारी करके, तो मैंने इसमें ही भाग दिया वन प्लस नाइन का y प्लस नाइन का, तो y प्लस नाइन से कट गया, बचा क्या यहाँ पे y, और फिर इसका इसमें भाग दिए तो y प्लस नाइन से ये कट गया, बचा क्या माइनस थ्री बराबर जीरो। अब मैं क्या करूँ, एक बार इसको लेता हूँ, इसको इधर भेजेंगे तो ये गुणा हो रहा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग होने के बाद क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस नाइन, ये आ गया मेरे पास y प्लस नाइन बराबर जीरो। वाई का मान निकालना है, नौ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो वाई बराबर माइनस का नौ, एक मान तो ये आ गया। एक बार क्या करूँगा मैं इसको रख लूँगा, इसको उधर भेज देंगे तो ये मेरे पास है वाई माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा वाई माइनस थ्री बराबर जीरो। ये y मान निकालना माइनस तीन का उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो y बराबर प्लस का थ्री, ये मेरे पास दो मान आ गए। अब आप लोग इन दोनों में से कोई सा मान बता सकते हो, तो मेरे पास y का कितने मान आ गए, दो मान आ गए, पहला मान आ गया माइनस कर नौ और दूसरा मान आ गया तीन प्लस का, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा प्रश्नावली अच्छे तरह से समझ में आएगा, दो क्वेश्चन बच रहे वो भी एज इट इज ही है, सेम है नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, इसका फिर रिवीजन टाइम में हम चलेंगे तो मैं उस समय आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो आई होप आपको पूरा प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, और जिसने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, उसको आपको लाइव से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती है सॉरी उस पर बुक्स के अकॉर्डिंग आपको देती रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो उसको जरूर चेकआउट करो, और उसको भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो उसको भी सब्सक्राइब करो। अब हम मिलेंगे अगली प्रश्नावली में, तब